चंडीगढ़ च होए ग्रनेड हमले मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है। पुलिस वालों वड्डी कार्रवाई करदिया मुख मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी अमृतसर देहाती पुलिस दे वल्लों कीती गई है। मुलजम दा नाम रोहन मसीह दस्या जा रहा है। इस जानकारी खुद पंजाब के DGP दे वल्लों सोशल मीडिया से साझी की गई है और कहा गया है कि मुलजम दे कोलों एक 9 mm का पिस्टल जिहड़ा है वह भी बरामद होया। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी नाल सांझी कार्रवाई करदिया चंडीगढ़ ग्रनेड धमाके के मुख मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी इसकी पंजाब के DGP गौरव यादव ने सांझी की है। DGP ने आख्या है कि अमृतसर के पिंड पासी का रहने वाला रोहन मसीह अमृतसर देहाती पुलिस ने अरैसट कर लिया है। बाकी मुलजमान की शनाखत नाल इस मामले में सुलझा लिया गया है। पुलिस ने मुलजम के कब्जे में एक 9 mm ग्लॉक पिस्तौल बरामद की है। इस सारी साजिश का पर्दाफाश करने की अगलेरी जांच चंडीगढ़ पुलिस नाल मिलकर की जा रही है। DGP ने कहा है कि मुलजम फिलहाल स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल अमृतसर की हिरासत में है। मुढ़ले खुलासे में यह सामने आया है कि रोहन ने 11 सितंबर को चंडीगढ़ विखे हुए ग्रनेड धमाके में अहम भूमिका निभाई है, जिसनों उसने मनिया भी है। कोठी के हमले तो बाद जो मुलजम ऑटो राही सैक्टर 18 पहुंचे तो उत्थे लाल बत्ती सी। फिर उसने ऑटो चालक लाल बत्ती जंप करके तेज रफ्तार ऑटो भजाने के लिए कहा, पर ऑटो चालक के वालों उसनों मना कर दिता गया। उस तो बाद अजे दोषी उसनों 500 रुपए दे के लालचन दिखाने लगे, पर इसके बावजूद भी ऑटो वाले दे वल्लों उन्होंने मना किया गया। तो फिर मुलजम रिहायशी इलाके वाली साइड में भज गए। दस दिए कि चंडीगढ़ के सैक्टर 10 के पौश इलाके बुधवार को ग्रनेड हमला हुआ। घटना तो बाद पुलिस सरगर्म हो गई सी। पंजाब पुलिस इस अतवादियों नाल जोड़ के देख रही है। एजेंसियां नूं अमरीका ते पाकिस्तान च बैठे खालिस्तानी अतवादियों ते शक है। इस सब दे विचाले हैप्पी पशिया ने सोशल मीडिया से पोस्ट साझी करके हमले की जिम्मेवारी भी ली है। जानकारी मुताबिक साल 2023 दे विच भी साबका SP हरकीरत सिंह इस हमले की योजना बनाई गई सी और इसके घर की रेकी भी की गई सी, पर योजना असफल रही। इस जानकारी मिलने तो बाद साल 2023 में साबका SP ने चंडीगढ़ स्थित घर छड्डिया सी ते हुण इह घर फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सीएम मुक्त प्रिंसीपल दे कोल है। सूत्रों अनुसार हाल ही एजेंसियों को इनपुट मिलिया कि पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह निंदा ते अमरीका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने हाथ मिलाया हुआ है अते उह मिल के पंजाब दे विच दहशत फैलाउण दी साजिश कर रहे ने। सूत्रों अनुसार शक है कि पाकिस्तान स्थित रिंदा ते अमरीका स्थित हैप्पी ने अपने स्थानक स्लीपर सैल राही चंडीगढ़ की कोठी विच हैंड ग्रनेड हमले नूं अंजाम दिता। हालांकि सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट साझी करके उसने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। सूत्रों अनुसार शूटरां अते उन्हां दे हैंडलरां नूं इह नहीं पता सी कि साबका SP साल 2023 विच अपने कतल की साजिश का खुलासा होण तों बाद कोठी छड्ड के चला गया सी। वह यह मान रहे हैं कि साबका SP अजे भी कोठी के ही रह रहा है, जिस कारण यह हमला होया है। इस ग्रनेड हमले कारण चंडीगढ़ पुलिस तो अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड से आ गई ने ते हुण इस मामले दे विच मुख मुलजम की गिरफ्तारी हो गई है। चंडीगढ़ च होए ग्रनेड हमले मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है। पुलिस वालों वड्डी कार्रवाई करदिया मुख मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी अमृतसर देहाती पुलिस दे वल्लों कीती गई है। मुलजम दा नाम रोहन मसीह दस्या जा रहा है। इस जानकारी खुद पंजाब के DGP दे वल्लों सोशल मीडिया से साझी की गई है और कहा गया है कि मुलजम दे कोलों एक 9 mm का पिस्टल जिहड़ा है वह भी बरामद होया। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी नाल सांझी कार्रवाई करदिया चंडीगढ़ ग्रनेड धमाके के मुख मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी इसकी पंजाब DGP गौरव यादव ने साझी की है। DGP ने आख्या है कि अमृतसर के पिंड पासी का रहने वाला रोहन मसीह अमृतसर देहाती पुलिस ने अरैसट कर लिया है। बाकी मुलजमान की शनाखत नाल इस मामले में सुलझा लिया गया है। पुलिस ने मुलजम के कब्जे में एक 9 mm ग्लॉक पिस्तौल बरामद की है। इस सारी साजिश का पर्दाफाश करने की अगलेरी जांच चंडीगढ़ पुलिस नाल मिलकर की जा रही है। DGP ने कहा है कि मुलजम फिलहाल स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल अमृतसर की हिरासत में है। मुढ़ले खुलासे में यह सामने आया है कि रोहन ने 11 सितंबर को चंडीगढ़ विखे हुए ग्रनेड धमाके में अहम भूमिका निभाई है, जिसनों उसने मनिया भी है। कोठी के हमले तो बाद जो मुलजम ऑटो राही सैक्टर 18 पहुंचे तो उत्थे लाल बत्ती सी। फिर उसने ऑटो चालक लाल बत्ती जंप करके तेज रफ्तार ऑटो भजाने के लिए कहा, पर ऑटो चालक के वालों उसनों मना कर दिता गया। उस तो बाद अजे दोषी उसनों 500 रुपए दे के लालचन दिखाने लगे, पर इसके बावजूद भी ऑटो वाले दे वल्लों उन्होंने मना किया गया। तो फिर मुलजम रिहायशी इलाके वाली साइड में भज गए। दस दिए कि चंडीगढ़ के सैक्टर 10 के पौश इलाके बुधवार को ग्रनेड हमला हुआ। घटना तो बाद पुलिस सरगर्म हो गई सी। पंजाब पुलिस इस अतवादियों नाल जोड़ के देख रही है। एजेंसियां नूं अमरीका ते पाकिस्तान च बैठे खालिस्तानी अतवादियों ते शक है। इस सब दे विचाले हैप्पी पशिया ने सोशल मीडिया से पोस्ट साझी करके हमले की जिम्मेवारी भी ली है। जानकारी मुताबिक साल 2023 दे विच भी साबका SP हरकीरत सिंह इस हमले की योजना बनाई गई सी और इसके घर की रेकी भी की गई सी, पर योजना असफल रही।
इस जानकारी मिलने तो बाद साल 2023 विच साबका एसपी ने चंडीगढ़ स्थित घर छड्डिया सी ते हुण इह घर फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सीएम मुक्त प्रिंसीपल दे कोल है। सूत्रों अनुसार हाल ही एजेंसियों इनपुट मिलिया कि पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह निंदा ते अमरीका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने हाथ मिलाया हुआ है अते उह मिल के पंजाब दे विच दहशत फैलाउण की साजिश कर रहे हैं। सूत्रों अनुसार शक है कि पाकिस्तान स्थित रिंदा ते अमरीका स्थित हैप्पी ने अपने स्थानक स्लीपर सैल राही चंडीगढ़ की कोठी विच हैंड ग्रनेड हमले नूं अंजाम दिता। हालांकि हुण सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट सांझी करके उसने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। सूत्रों अनुसार शूटरां अते उन्हां दे हैंडलरां नूं इह नहीं पता सी कि साबका एसपी साल 2023 विच अपने कतल की साजिश का खुलासा होने तो बाद कोठी छड़ के चला गया सी। ओ ये मन रहे ने कि साबका एसपी अजे भी कोठी दे विच ही रह रहा है जिस कारण ये हमला होया है। इस ग्रनेड हमले कारण चंडीगढ़ पुलिस तो अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड ते आ गईयां ने ते हुण इस मामले दे विच मुख मुलजम दी गिरफ्तारी हो गई है।